हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेकंड क्लास ऑफ शॉपिफाई, जहां पे हम जीरो से लेकर पैसे कमाने तक शॉपिफाई सीखने वाले हैं, सिखाऊंगा आपको मैं। और हाँ, एक बात है कि यार ये सेकंड क्लास मेरी थोड़ी सी लेट हो गई है। वजह यही है कि मेरा अपना भी शॉपिफाई स्टोर इस वक्त फुल ट्रेंडिंग में चल रहा है, माल चाल अच्छा आ रहा है, कमाई अच्छी हो रही है, तो मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि मैं सारी चीजों को एक टाइम पे हैंडल कर सकूं। खैर यार, उन चीजों को छोड़ो, अब क्लास आ गई है ना, तो उस पे फोकस करते हैं। अब देखो शॉपिफाई भी आपको ये तो पता चल गया, मैंने बता दिया कि आपने ऑनलाइन अपना सामान बेचना है। अब बात आती है बेचने पे कि यार बेचना क्या है। यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यार हर चीज बिकती है, चाहे वो टाइमिंग वाली गोली है, चाहे वो कोई 1 लाख की प्रोडक्ट है, 10 हजार की प्रोडक्ट है, हर चीज बिकती है। अच्छा, ये टाइमिंग वाली गोली ना, इसका भी एक किस्सा है। एक बंदा था मेरा फॉलोवर ही, उसने मुझे अपने स्क्रीनशॉट दिखाए लेपर्ड कोरियर के डिलीवरीज के, भाई मैंने कुछ 10-15 हजार की गोलियां खरीदी और महीने का 3-4 लाख साइड पे कर लेता हूँ। अब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करने वाला कि यार तुम भी गोलियां बेचो, लेकिन बात ये है कि सिर्फ आपको बेचना आना चाहिए, हर चीज बिकती है। और मेरा यही काम है कि मैं आपको सिखाऊंगा बेचना कैसे है, कहाँ, कब और क्या बेचना है। तो इसमें अब Shopify इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, आपको पता चल गया, जिसमें सिर्फ हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद हमें उस पर प्रोडक्ट लिस्ट करनी होगी। प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद हम उस प्रोडक्ट के एड्स चलाएंगे, और एड्स चलाने के बाद आपको सेल आएगी। आप उस प्रोडक्ट को जो आप बेच रहे हो कस्टमर को डिलीवर करोगे, जब वो डिलीवर हो जाएगी उसके बाद पैसा आपके अकाउंट में आएगा। ये सारी चीजें हैं। सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है, बट ये इतना आसान है नहीं। इसके लिए आपको मेहनत चाहिए होगी, मेहनत, पेशेंस और सारी चीजें, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न आती है लोकल ई कॉमर्स में। जिस बंदे ने रिटर्न्स पे काबू पा लिया वो मिलियनेयर बनने के लिए रेडी है। तो ये सारी चीजें आपको बताता हूं करनी कैसे है। यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं। देखो शॉपिफाई ई कॉमर्स करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, फ्री वाला काम समझ में नहीं आता। चाहे आपने ड्रॉप शिपिंग भी करनी है ना, तो उसके लिए भी कम से कम आपके पास एड्स चलाने के लिए तो पैसे होने चाहिए ना। तो मैं ड्रॉप शिपिंग तो पाकिस्तान में रिकमेंड ही नहीं करता, और इंटरनेशनल पे अगर आपने जाना तो कम से कम सिर्फ एक प्रोडक्ट को आपको जो है वो टेस्ट करने के लिए $1000 तो मिनिमम चाहिए होंगे। अगर आप उसको अच्छे तरीके से टेस्ट करते हो, देन टेस्ट करने के बाद आप डिसाइड करोगे कि हाँ भाई इसको लॉन्च करना है या स्किप करना है। तो अगर आप $1000 इंटरनेशनल में लगा रहे हो, तो वही 3 लाख आप पाकिस्तान में लगा के अच्छे पैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरीज आती है, ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल। मैं इस वक्त अपनी वेबसाइट पर वाइट लेबल कर रहा हूँ, मतलब कि चाइनीज प्रोडक्ट उठाई, उसको लाइक सस्ते में खरीदा, थोड़े से मार्जिन के साथ हमने उसको आगे बेच दिया, अपना प्रॉफिट आ गया। प्राइवेट लेबल क्या होता है, प्रोडक्ट आप खुद मैन्युफैक्चर करवा रहे हो, आपके ब्रांड लेबल, ब्रांड लोगो, ब्रांड नाम के साथ वो जो प्रोडक्ट मार्केट में आप उसको बेच रहे हो, और वो एक आपका लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म ब्रांड होगा कि भाई आपने ब्रांडिंग पे फोकस करना अगर तुम। लेकिन स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करता हूं कि वाइट लेबल कर लो, ड्रॉप शिपिंग भी ना करो। अब वाइट लेबल करने के लिए भी कम से कम आपकी जेब में कोई 1 लाख तो होने चाहिए, लेकिन हर चीज का सोल्यूशन मेरे पास है। अगर बात की जाए ड्रॉप शिपिंग की, तो पाकिस्तान में HSC है या जितने भी और ड्रॉपशिपिंग मॉडल्स हैं, उस पे जो प्रोडक्ट लिस्ट होता है उससे कम प्राइस में प्रोडक्ट तो आपको दराज पे मिल जाता है। तो क्या फायदा, आप एड्स भी लगाओगे, अपना प्रॉफिट भी रखोगे, तो कैसे इन चीजों को मैनेज करोगे। होगा क्या, ज्यादा रेट की वजह से रिटर्न्स आपको बहुत ज्यादा आएंगी, एड्स बैठ जाएगा, तो आप लॉस में जाओगे। तो दैट्स व्हाई ड्रॉप शिपिंग मैं रिकमेंड नहीं करता। अब हमें हर बंदा मुंह उठाकर शॉपिफाई सिखाने चला हुआ ड्रॉप शिपिंग, बट किसी बंदे ने ना तो टेस्ट किया और ना ही उसको पता है। सो सिंपल एज दैट, ड्रॉप शिपिंग पे आपने नहीं जाना, फायदा ही नहीं है। अगर आप प्रॉफिट कमा भी लेते हो, क्या फायदा महीने का 10-20-25 हजार कमाने का, जब काम कर ही रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से और मेहनत से करो, यू कैन गेट मोर मनी, अमीर हो ही जाओगे। अब आते हैं वाइट लेबल पे। वाइट लेबल का सीन ये है, मार्केट से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स उठाएंगे, देखेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। याद रखो एक चीज जो मैं आपको बता दूं, आप जिस भी कैटेगरी में जाओ, ब्यूटी में जाओ, टेक में जाओ, डेली लाइफस्टाइल में जाओ, ठीक है, एक्सेसरीज में जाओ, चीज वो उठानी है, एक तो चीज बढ़िया हो, दूसरी चीज वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हो। कोशिश करो कि ज्यादा वेबसाइट्स पे या इंटरनेट पे वो अवेलेबल ना हो, और मार्केट्स भरी पड़ी हैं, लाहौर, कराची, हर जगह पे आपको चीजें मिल जाती हैं, चाइना जाने की जरूरत नहीं है। चाइना तब जाओ जब आपके पास 3-4 हजार जो है वो आपकी ऑर्डर क्वांटिटी हो, आपने लॉन्ग टर्म काम करना है, उससे पहले वाइट लेबल पाकिस्तान से स्टार्ट करो। अब वाइट लेबल करने के लिए आपने जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है मार्केट से, उसका आपने सिर्फ एग्जाम्पल लेना, उसको लिस्ट करना, टेस्ट करना। अगर आपका एड क्रिएटिव अच्छा हुआ, सबसे बड़ी बात है एड क्रिएटिव अगर अच्छा हुआ, ऑर्डर आने शुरू हो जाए, देन आपने उसकी इन्वेंटरी उठानी है। उससे पहले आपने उसकी इन्वेंटरी नहीं उठानी, सिर्फ एक पीस बाय कर लो, उसकी आप जो है वो टेस्टिंग करो, काम कर जाए ठीक है, नहीं करता तो कोई नई प्रोडक्ट उठा लो। अभी है सारी गेम है प्रोडक्ट हंटिंग की, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपके दिमाग की बात है कि यार मैंने ये चीज बेचनी है। हर चीज बिकती है, स्किन केयर है, कपड़े हैं, जूते हैं, यार लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में हर चीज किनको जरूरत।
जरूरत पड़ती है, चाहे वो एक सुई है वो भी भाई करनी पड़ती है। तो आपने सिर्फ अपने दिमाग से खेलना है कि मैं इस चीज को ज्यादा बेटर बेच सकता हूँ, इस पे ज्यादा बेटर तरीके से कस्टमर को मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ, अच्छा एड क्रिएटिव बना सकता हूँ। वो सारी चीजें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब मकसद था आपको सारी चीजें क्लियर करना, मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गई है। और प्राइवेट लेवल स्टार्ट करने के लिए भाई आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए, अच्छे खासे के मतलब है काफी अच्छे पैसे, जिससे आप अपनी ब्रांडिंग स्टार्ट करोगे। हाँ, छोटी चीजों में आपके पास 5-10 लाख से भी आप कर लोगे, लाइक आपका कोई सीरम है, कोई छोटी प्रोडक्ट है, तो वो सारे मामले हो जाते हैं। खैर, अब हम चलेंगे गोडैडी पे, वहां से हम लेंगे अपनी एक डोमेन, हम जाएंगे शॉपिफाई पे, उसको साइन अप करके डोमेन अपनी कनेक्ट करेंगे, देन हम डिजाइन करेंगे अपना स्टोर, और फिर जो है वो प्रोडक्ट हंट करेंगे, लिस्ट करेंगे, एड चलाएंगे, डिलीवर करेंगे, पैसा कमाएंगे। देखने में सुनने में बड़ा आसान है, टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ साथ जुड़े रहिए, और साथ साथ यूट्यूब पे भी चीज़ों को डिस्कस करें, इंटरनेट पे चीज़ों को डिस्कवर करें। मैं तो आपको सिखा ही रहा हूँ, लेकिन आपको और जगह से भी बड़ी चीज़ें पता चलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और वो सारी चीज़ें। लेकिन जो स्ट्रैटेजीज, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह उन ट्रिक्स और उन स्ट्रैटेजीज पे आप काम करोगे अगर, जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। बट वही बात है, ओवरनाइट सक्सेस या अमीर होने वाला कोई चक्कर नहीं है, टाइम लगेगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी।